नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है TMT अपडेट इंडिया यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। हाँ, आपको कोई भी महत्वपूर्ण खबर आती है सबसे पहले प्रदान करवाई जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिए और आखिरी तक जरूर देखिएगा। हमारे पास लगातार 90 दिनों के बाद एक सर्वे आ चुका है। हाँ, हमारी लगातार टीम सर्वे कर रही थी। सरकारी योजना अपडेट के नाम से हमारा एक चैनल है, वह लगातार सर्वे कर रहा था, उसी को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है। हाँ, उन्होंने एक सर्वे के अंदर बता दिया गया है कि कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। क्या 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी बन जाएंगे प्रधानमंत्री या राहुल गांधी लगाए जाएंगे इस बार बाजी? यह तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। पर अभी एक बड़ी यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब प्रधानमंत्री बनने के दावेदार बदले जा सकते हैं। हाँ, कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री बदलने के दावेदार बदले जा सकते हैं। और चलिए जानते हैं हमारे एम्पोलिक पोल। हाँ, एपोनियन पोल में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, लगातार सर्वे के बाद हमारे पास पहुंच चुका है एक बड़ा सर्वे, महासर्वे लगभग सभी जिलों का। हाँ, हमारे तक अभी तक हरियाणा जिला का नहीं, हरियाणा राज्य का नहीं आया है। और कोई हरियाणा राज्य का आएगा तो प्रदान करवाएंगे। आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए हरियाणा में, कौन सी सीट निकालनी पड़े कॉमेंट में जरूर बता देना। तेलंगाना में 17 सीट है, बीजेपी एक और कांग्रेस 8, अन्य के खाते में 8 जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव लड़े जा रहे हैं। हाँ, इसके अंदर 6 सीटें हैं, 6 में से 2 कांग्रेस, 3 बीजेपी, अन्य के खाते में 1 आम जनता पार्टी को छोड़कर। और इसके बाद उत्तराखंड के अंदर 5 सीट है, 5 में से 2 कांग्रेस, 3 बीजेपी, 1 आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 0 जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा उत्तराखंड के बाद आंध्र प्रदेश के अंदर हमारे 25 सीट है, 25 में से 9 कांग्रेस प्राप्त कर सकती है तो 10 बीजेपी, 1 आम आदमी पार्टी और 6 अन्य के खाते में जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा मेघालय, मेघालय के अंदर 2 सीटें, दोनों कांग्रेस को जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है मेघालय के बाद हमारा गोवा के अंदर 2 सीटें, दोनों बीजेपी को जाने की संभावना दिखाई दे रही है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य का खाता साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है हमारा राज्य के अंदर 39 सीटें, 25 कांग्रेस, 11 बीजेपी, 3 अन्य के खाते में आम आदमी पार्टी को छोड़कर। इसके बाद आता है हमारा बिहार राज्य के अंदर 40 सीटें, 40 में से 9 कांग्रेस, 5 बीजेपी, 25 अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है आम आदमी को छोड़कर। इसके बाद आता है हमारा गुजरात के अंदर 26 सीटें हैं, 26 में से 17 सीटें कांग्रेस बीजेपी को, 5 सीटें कांग्रेस को, 1 आम आदमी पार्टी को, 3 बीजेपी को जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें, 48 में से 1 कांग्रेस, 17 बीजेपी, 18 आम आदमी पार्टी, 0 और अन्य के खाते में 13 जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश के अंदर 29 सीटें, 29 में से 13 कांग्रेस बीजेपी, 11 और आम आदमी पार्टी, 5 सीट प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर 7 सीट, 42 सीटें, 7 कांग्रेस, 15 बीजेपी, 9 आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 11 जाने की संभावनाएँ दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है राजस्थान के अंदर 10 सीट इस बार कांग्रेस प्राप्त करेगी, 12 सीट बीजेपी प्राप्त करेगी और इसके बाद आम आदमी पार्टी 0 सीट प्राप्त करने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा केरल के अंदर 20 सीटें, 20 में से 12 कांग्रेस, 5 बीजेपी, 3 आम आदमी पार्टी प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आता है हमारा केरल राज्य के बाद नागालैंड के अंदर 1 ही सीट है, 1 ही 1 हमारे कांग्रेस को जाने की संभावनाएँ दिखाई दे रही है। इसके बाद बीजेपी को 0 सीट प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आम आदमी भी 0 प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। कर्नाटक में 28 सीट है, 28 में से 17 कांग्रेस, 8 बीजेपी, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें प्राप्त होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा पंजाब के अंदर 13 सीट है, 13 में से 8 कांग्रेस, 5 आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 0 जाने की संभावना दिखाई दे रही है बीजेपी सहित। इसके बाद आता है हमारा उड़ीसा के अंदर 21 सीटें, 21 में से 6 कांग्रेस, 7 हमारी बीजेपी और 4 आम आदमी पार्टी और 4 अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा झारखंड के अंदर हमारी 14 सीटें, 7 कांग्रेस, 6 बीजेपी, 1 अन्य के खाते में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके झारखंड के बाद आता है हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें, 80 में से 17 तो हमारे कांग्रेस प्राप्त कर सकती है तो 47 बीजेपी प्राप्त कर सकती है, आम आदमी पार्टी 0, 16
अन्य पार्टियां प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर दो सीटें दोनों की दोनों कांग्रेस को जाने की संभावनाएँ दिखाई दे रही है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में शून्य जाने की संभावना दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर चार सीटें, चार में से दो कांग्रेस, एक बीजेपी, एक अन्य के खाते में जाने की संभावनाएँ दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा सिक्किम। सिक्किम के अंदर एक सीट है, कांग्रेस को शून्य, बीजेपी को एक, आम आदमी पार्टी को एक और अन्य पार्टियों को शून्य सीट प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। आम आदमी को भी शून्य सीट प्राप्त होने की संभावना है। इसके बाद असम के अंदर सात सीट कांग्रेस प्राप्त कर सकती है, दो सीट बीजेपी प्राप्त कर सकती है, आम आदमी पार्टी शून्य सीट प्राप्त कर सकती है, अन्य के खाते में पाँच सीट आने की संभावनाएँ दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश, दो सीट है, दोनों की दोनों कांग्रेस को जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आपके हिसाब से कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, कमेंट में जरूर लिख दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।